देखिए, देश के सबसे बड़े समाजसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी का आज 69वां जन्मदिन है। उनकी दीर्घायु के लिए आज हमने दरगाह बरची बहादुर में चादर चढ़ाई है, क्योंकि वही ऐसे शख्स हैं जिनकी वजह से संघ का जो सही दर्शन है वो अल्पसंख्यक मुसलमानों के बीच सही से आ पाया है। जो संघ का नज़रिया था वो मुसलमानों के बीच डॉक्टर मोहन राव भागवत अपना नज़रिया रखने में संघ का बहुत हद तक कामयाब हुए हैं, इसीलिए हमने उनकी लंबी उम्र के लिए कामना किया दरगाह में चादर चढ़ा के। और डॉक्टर मोहन राव भागवत एक महान दार्शनिक हैं, उसके साथ साथ वो राष्ट्र निर्माण के लिए चाहते हैं कि देश के मुसलमान देश की मुख्य धारा से जुड़ें शिक्षा हासिल करके। इसीलिए देश का मुसलमान डॉक्टर मोहन राव भागवत की तरफ बड़ी उम्मीद की नज़रों से देखता है और बड़ा प्रेम करता है। कितने लोग आपके साथ में और किस तरीके से मतलब जश्न का माहौल उन्होंने? देखिए, मुहर्रम का महीना चल रहा है, हम का हमने सादगी से उनका जन्मदिन मनाया है। हमारे संगठन के कुछ पदाधिकारी थे जिन्होंने फैसला किया कि मोहन राव भागवत जी का जन्मदिन है तो कुछ ना कुछ हम लोगों को करना चाहिए। हम पिछले 6 साल से उनका जन्मदिन लगातार मनाते आ रहे हैं और आगे भी हमेशा मनाते रहेंगे, क्योंकि वो देश की हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक मेन हमारे देश का स्तंभ है, जो वो चाहते हैं कि देश के मुसलमान भी तरक्की करें और समाज की मुख्यधारा से जुड़ें। हम लोग मुस्लिम यूथ एसोसिएशन नामक संगठन चलाते हैं जिसमें राष्ट्रवादी मुसलमानों को समाज के साथ जोड़कर काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? नाम मोहम्मद आमिर रशीद। किस संगठन में काम? हम लोग मुस्लिम यूथ एसोसिएशन नामक संगठन चलाते हैं।